हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। हम अपने फेज टू में पहुंच चुके हैं। अगर आपने डे वन से मेरी वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप डे वन से मेरी वीडियो को चेक कीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता रखी है आपने सबको फॉलो करना है। जो भी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता रखी है उनको सबको आपने चेक करना है, मेरी सारी वीडियो को चेक करते रहना है। साथ में आपने मेरे वर्कआउट को भी देखना है एंड साथ में वर्कआउट भी करना है। बट कई लोगों के पास वर्कआउट के लिए टाइम नहीं होता है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो वर्किंग हैं एंड वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो अपनी सीट पे ही वो एक्टिव रहें। जहां पे भी आप बैठे होते हैं आपने बीच में ब्रेक लेना है, थोड़ा सा वॉक करके आना है, अगेन अपनी सीट पे बैठ जाना है। एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने चेंज करनी है, कुछ हैबिट्स हैं। जैसे अगर आप लिफ्ट का यूज करते हैं तो आपने स्टेयर का यूज करना है, लिफ्ट का यूज नहीं करना है। साथ में आपने घर का खाना कैरी करके लेके जाना है। इसमें आपको चाय की क्रेविंग होती है तो आप चाय पी सकते हैं, बट आपने विदाउट शुगर चाय लेनी है। एंड आपने घर की चीजें कैरी करके लेके जानी है। जैसे आप मखाने ले जा सकते हैं, आप रोस्टेड चने ले जा सकते हैं, आप रोस्टेड न्यूट्री ले जा सकते हैं, या आपने घर से कैरी करके लेके जाना है। एंड जिस टाइम आपको क्रेविंग होती है आपने इन सारी हेल्दी चीजों को खाना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा मंचिंग की जरूरत नहीं पड़े, जिससे आप बिस्किट या नमकीन नहीं खाओगे। आपने इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, आपने हेल्दी खाना खाना है। साथ में आपने मेरी सारी वर्कआउट को एंड सारी वीडियो को चेक करते रहना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो देखते हैं आज के वर्कआउट में एंड आज के डाइट प्लान में मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत करनी है आपने गुनगुने वाटर से। उसके बाद ये आपने जीरा वाटर को बॉईल करना है, उसको सिप सिप करके पी लेना है। आज ब्रेकफास्ट में मैं ओवरनाइट ओट्स ले रही हूँ, तो ओवरनाइट ओट्स रात को बनाने पड़ते हैं। मॉर्निंग में एज इट इज़ हमने इनको खाना है, तो आप इसकी रेसिपी पिछले दिन की वीडियो में चेक कर लीजिए। 12:15 हो चुके हैं एंड मेरे वर्कआउट का टाइम है, तो उससे पहले मैंने ले रखी है ब्लैक कॉफ़ी। मैं या तो ग्रीन टी लेती हूँ या ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, जिससे मैं एक्टिव फील करती हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। फ्रेंड, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनको चेंज करके हम अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको हेल्थ इशू होते जाएंगे, तो उनसे बचने के लिए आपने एक्टिव रहना है, आपने मेंटेन रहना है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। सो इसके लिए आपने अच्छी डाइट लेनी है, साथ में आपने वर्कआउट करना है एंड साथ में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके खाना खाने की हैबिट्स हैं उनको आपने ठीक करना है। आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। आप वर्कआउट भी करेंगे, आप हेल्दी खाना खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पनिशमेंट दे रही हूँ। आपने सब कुछ खाना है। आपने मेरी डाइट में देखा होगा मैंने सारी दाल सब्जियाँ दही सब कुछ खाना होता है, बट सिर्फ आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है एंड लिमिट में खाना है, आपने टाइम के हिसाब से खाना है। एंड फ्रेंड्स, आपने खाना खाते टाइम एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपने टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं खाना है, आपने फ़ोन चलाते अपना खाना नहीं खाना है। आपने सिंपली खाने पे कंसंट्रेट करके अच्छे से च्युइंग करके अपना खाना खाना है एंड साथ में आपने सारी चीज़ें खानी है जो भी मैं आपको बताती हूँ। आप घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। सो फ्रेंड, आज का वर्कआउट एंजॉय कीजिए। Thank you.
फ्रेंड्स, लंच में वर्कआउट के हाफ एन आवर के बाद ले रही हूँ। मैंने पम्पकिन की सब्जी बनाई है, साथ में दही है, साथ में एक चपाती ले रखी है, साथ में सैलेड है। आपने इस तरह से प्रॉपर लंच लेना है जिसमें आपका दही भी होना चाहिए एंड साथ में सैलेड भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, टाइम हुआ है 5:30 एंड मैंने कॉफ़ी ले रखी है, विदाउट शुगर है एंड साथ में ले रखे हैं थोड़े से पीनट्स। तो इस तरह से आपने 5:30 बजे आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी के साथ हम मखाने ले सकते हैं। अगर आपने चाय लेनी है तो विदाउट शुगर लेंगे, क्योंकि रात को हमने डिनर हल्का करना है इसलिए आपने ये ज़रूर ले लेना है। सो ये रात के लिए आज मैं इस दाल को बनाऊँगी, इस दाल का सूप हम खाने वाले हैं। दाल को मैंने सिंपली तड़का लगाया है, कोई एक्स्ट्रा इसमें मसाले नहीं डाले हैं। बट मैंने वेजेस जिसमें कैरेट है, ककुम्बर है, अनियन है, साथ में मैंने थोड़ा सा पनीर ले रखा है। सो ये जो सब्जियां हैं इनमें हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं एंड पनीर में प्रोटीन होता है। बहुत ही हेल्दी एंड प्रोटीन रिच हमारा जो डिनर है। फ्रेंड्स, आपका डिनर लाइट होने के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए। मॉर्निंग के लिए जो भी मैंने प्रेपरेशन करनी होती है वो मैं कर चुकी हूँ। स्प्राउट्स मैंने रख दिए हैं, बादाम रख दिए हैं एंड जीरा वाटर भिगोने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको मेरा डाइट प्लान कैसा लग रहा है, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।